विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत्यबोध एक भजन का टुकड़ा गा दो। Immaculate voice. कोई सा भी भजन कर। इतना accurate pronunciation. हाँ. इतना सही सुन सटीक। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है भजन का टुकड़ा गाओ। मुझे क्या नहीं समझी? सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना बन गया देह में दीवान। सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव मान बन गया देह में दीवाना। अपने अज्ञान से तू भ्रमाया शेर वो करके मचाया। मेरा घर बार है मेरा परिवार है ये खजाना। सिप की चांदी तू लुभाना। सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना बन गया देह में दीवाना। बन गया देह में दीवाना। बस अब हम प्रवचन शुरू करते हैं। माइक बंद कर लो। जी सर। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरु मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज का जो सूत्र है वह गीता का अध्याय 3 का 11वां सूत्र है 11वां श्लोक है। श्लोक ऐसा है कि देवान भाव यतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयपरं वाप्स्यथ। देवान भावयत अनेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथः। देवान यानी देवताओं को भावयता यानी उन्नत करो। अनेन यानी इस यज्ञ के द्वारा। ते यानी वे। देवा यानी देवता। व यानी तुम दोनों तुम लोगों को। परस्परम यानी एक दूसरे को। भावयन्तः यानी उन्नत करते हुए है ना तुम लोग। श्रेय यानी कल्याण को। अवाप्स्यथ यानी प्राप्त हो जाओगे। शाब्दिक अर्थ हमने बताया। अब इसका पूरे श्लोक का अर्थ यह है कि इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाए। तो यह जो श्लोक है
सदगुरु सच्चिदानंद परमात्मा विश्वात्मा सनातन पुरुष पुराण पुरुष भगवान श्री कृष्ण अनंत अनंत निहारिकाओं के स्वामी गीता के माध्यम से सारे जगत को परम और चरण वैभव के शिखर पर ले जाने का उपदेश इस श्लोक में दे रहे हैं। अंदर और बाहर दोनों तरफ से परम कल्याण की शिक्षा इस श्लोक में व्यक्त की गई है, कही गई है। बस समझने वाला चाहिए। इसमें दोनों तरफ की बात है। आपका संसार भी सद सकता है और आपका परमार्थ भी सद सकता है। पहला शब्द है देवान। देवान का मतलब होता है देवताओं को। यह बहुवचन है, एक देवता की बात नहीं हो रही, अनेक देवताओं की बात हो रही है। हमारे संस्कृति और धर्म में सबसे पहले कहा गया है मात्र देवो भवा। हे मनुष्य, तू अपनी माता को अपना देवता मान, तू अपनी माता को अपना देवता है ऐसा मान। आपकी माता आपकी प्रथम देवता है, क्योंकि जिसके गर्भ से आप बाहर आए और सबसे पहले आपने संसार को देखा तो सबसे पहले आपने अपनी माँ को ही देखा। जिस गर्भ से आप बाहर निकले और जैसे आपने आंख खोली तो वैसे ही आपने माँ का हाथ, माँ का पैर या माँ का पेट या माँ को ही देखा। भले फिर डॉक्टर ने आपको उठाया, नर्स ने आपको उठाया, आपकी नाल काटी, आपको डॉक्टर नर्स को आपने बाद में देखा। इसलिए पहला है मात्र देवो भवा। जिस पिता की वजह से जगत में आए वह पिता को पितृ देवो भवा। और पिता के अतिरिक्त आपके जो दादा हैं, आपके जो चाचा हैं, आपके जो ताऊ हैं, आपके जो नाना हैं, आपके जो मामा हैं, आपके जो फूफा हैं, आपके जो ससुर हैं, आपके जो सास हैं, आपके जो दादी हैं, आपके जो नानी हैं, आपके जो मामी हैं, आपके जो बुआ हैं, ये सारे जितने समुदाय के लोग हैं ये सब हैं देवान। अगर बाहर की तरफ चलो तो ये आपके निकटतम देवता हैं। इन देवताओं की अब आगे क्या कहा, देवान भाव्यता अनेन। अब इन सारे जो देवता हैं ये आदरणीय हैं, उनकी सेवा, उनका सम्मान और उनकी सहायता और उनको अच्छे मार्ग पर चलाने की मदद करना। सहायता मतलब ये नहीं कि एक पैकेट कोई सिगरेट मंगा रहा है तो लाके दे दी, या शराब की बॉटल मांगी तो लाके दे दी, नहीं, ये सहायता सेवा नहीं है। सहायता सेवा का तात्पर्य है कि आप अपने परिवार में परमात्मा का प्रवेश कराएं किसी भी तरह से। आपके माता पिता भाई बहन रिश्तेदार ध्यान इत्यादि में परमात्मा के प्रेम में परमात्मा की श्रद्धा में धीरे धीरे डूबे, इसके लिए आप प्रयास करें, मदद करें। तो क्या होगा, आपके पास जो श्रेष्ठ प्रेम है, ज्ञान है और आपके पास जो समझ है उससे उनकी उन्नति होगी, उससे वो सन्मार्ग पर चलने में उनको मदद मिलेगी। यह एक यज्ञ कार्य है। फिर जब भी आपकी इसी तरह से यथाशक्ति सेवा और सहायता और प्रेम वो भी लौटाएंगे, जब वो लौटाएंगे आप भी प्रेम दोगे, वो भी प्रेम देंगे, तो फिर प्रेम ही प्रेम होगा ना, आनंद ही आनंद होगा ना। इस प्रकार से आपके सारे परिवार में, सारे कुटुंब में और सारे कुटुंब मिलकर सारे समाज में एक खुशहाली होगी, आनंद होगा। और तब हमारे ऋषि मुनियों ने जो एक उन्होंने ऋषि मुनियों ने एक उक्ति कही है, एक कहावत कही है, परस्पर देवो भवा,
तब आप एक दूसरे को देवता मानते हुए एक दूसरे के लिए देवता हो जाएंगे, जैसे रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि गुरु रघुनाथ परस पर नवही। गुरु तो परमात्मा सच्चिदानंद भगवान श्री राम के चरणों में इसलिए प्रणाम अंदर से अंदर कर रहे हैं, क्यों? किनको मालूम है भगवान ने अवतार लिया है। इसी तरह से मैं भी अपने शिष्यों को अंदर अंदर बहुत प्रणाम करता हूं, मुझे मालूम है कि इनमें भगवत्ता प्रकट होने वाली है। और भगवान रघुनाथ गुरु को इसलिए प्रणाम कर रहे हैं कि भगवान रघुनाथ के अंदर आत्मज्ञान का संचार उनके गुरु वशिष्ठ ने ही किया, क्योंकि योग वशिष्ठ में ये महारामायण में सब कुछ लिखा हुआ है, प्रमाण है। तो इस प्रकार आप जब परस्पर देव हो जाएंगे, एक दूसरे को देवता मानकर, देवता तुल्य जानकर एक दूसरे से देवत्व का व्यवहार करेंगे, तब आपके समाज और परिवार और कुटुंबों में शांति आएगी, तब एक नींव डलेगी। ये शांति एक नींव डालती है ज्ञान की। अशांत व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता, ध्यान करने के लिए थोड़ी सी शांति तो चाहिए ही चाहिए। तो उस शांति और संतुलन की अवस्था में यह सारा समाज सुखी होगा, आनंदित होगा, और तब जो सतगुरु हैं वो इन सारे देवताओं के परम देवता हैं। क्यों? कि उनका उपदेश सुनने से आपको बहुत सहायता, बहुत सरलता मिलेगी। और गीता का यह जो श्लोक है, ये परम कल्याण के लिए बाहरी विक्षोभों से बचाने में हमें कैसा समाज चाहिए, समाज में कैसी व्यवस्था चाहिए, उस ओर संकेत दे रहा है, संदेश दे रहा है। जब सद्गुरु परमात्मा एक ही व्यक्ति में साक्षात ब्रह्मा विष्णु और महेश जीवित रूप में मिल गए हैं, आपके जीवन में त्रिदेव का एक ही मनुष्य के रूप में प्रवेश हो गया है, तो कहते हैं गुरु साक्षात परब्रह्मा, गुरु साक्षात आपको मिल गए हैं, साक्षात परमात्मा मिल गए हैं, है ना। आप खाते भी तो हैं, अभी कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश। तो गुरु आपके जीवन में जब प्रवेश करते हैं, तब आपको यही श्लोक आपके लिए थोड़ा अर्थ बदल जाता है कि देवान भाव्यते अनेन। तब आपको गुरु के कार्य को, गुरु के आध्यात्मिक कार्य को, गुरु के ध्यान आंदोलन को, गुरु की साधना पद्धति को उन्नत करना है, आगे बढ़ाना है, मशाल को उठाना है, आगे ले जाना है। फिर जिन की स्थिति होगी, अच्छी स्थिति होगी, जो लोग अच्छी श्रद्धा की ऊंचाई पर होंगे, जो लोग अच्छी तितिक्षा में होंगे, अच्छी जिज्ञासा में होंगे, जिनकी आधार भूमि पिछले जन्मों की अच्छी होगी, तो उनकी आंतरिक अवस्था अच्छी होने से क्या होगा कि वे सतगुरु के समान ही ज्ञान के पुंज हो जाएंगे। यानी सतगुरु सतगुरु बनाता है कि पारस और गुरु में यही रे अंतरो जान, एक लोहा सोना करे एक करे आप समान। तब क्या होगा कि गुरु महाराज अपने समान परमहंस लोगों को आप लोगों में से खड़े कर देंगे और बहुत सारे सतगुरु खड़े हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि तमसो मा ज्योतिर्गमय की अवस्था प्राप्त होगी। जब तुम्हारा अंधेरा कट जाएगा, काट अंध उर के बंधन स्तर, वहां जननी ज्योतिर्मय निर्जर, तब तुम्हारे अंदर के जो बंधन है वो सब कट जाएंगे, है ना। कहते हैं ना
के बंधन दो काट मेरे सतगुरु भव जाल के, सोहम शिवो हम तेरे बाके दो कमाल के। फिर क्या होगा कि वो जो लोग हैं जो नए नए सतगुरु बहुत खड़े होंगे गुरु महाराज की कृपा से, तो वो उन लोगों को आगे की तरफ ले चलेंगे जो लोग अभी ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पाए। फिर जिनकी योग्यता कम भी होगी वे लोग अपने आप को शांति और सुखी और तनाव रहित अनुभव करेंगे। कोई चिंता मत करो, कोई इसमें बीए एमए और ऐसी योग्यताएं नहीं लगती है, इसमें अंगूठा टेक आदमी भी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। कबीर ने किसी विश्वविद्यालय की डिग्री नहीं करी, मीरा ने किसी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ी, दादू पलटू रविदास संत ज्ञानेश्वर किसी विद्यालय विश्वविद्यालय में नहीं पढ़े। इसलिए फिर जो लोग जिन्होंने योग्यता कम भी होगी वो भी शांत सुखी और तनावरत हो जाएंगे। और जैसे जैसे यह परस्पर देवो भवा का गहन प्रेम सम्मान और सहायता का भाव इस दुनिया में फैलता चला जाएगा, तब फिर देखना इस वृक्ष में कितने मीठे फल लगते हैं, है ना। अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई, इसमें आनंद के फल लगेंगे, ज्ञानियों की संख्या बढ़ती जाएगी और पृथ्वी से राग है द्वेष है घृणा है हिंसा है अपराध है स्वार्थ है कलह है वासना है डकैती है चोरी है व्यभिचार है, ये धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, लगभग समाप्त होता चला जाएगा। और जो लोग इस परम ज्ञान को नहीं उठा सकेंगे तो उन लोगों की संख्या इतनी कम हो जाएगी, शांत लोगों की संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो हिम्मत नहीं कर सकेंगे गलत करने का। तो यह जो सूत्र है इसके माध्यम से भगवान कहते हैं कि मनुष्यों तुम परस्पर एक दूसरे को ज्ञान मार्ग पर ले जाने के लिए सहायता करो, एक दूसरे की उन्नति करो। तो जब तुम एक दूसरे की उन्नति करोगे तो तुम्हारा जो कल्याण है यानी तुम्हें ज्ञान जीवन मुक्ति जन्म मरण का चक्र से सदा सदा के लिए तुम छूट जाओगे, तुम्हें कल्याण प्राप्त हो जाएगा। ये तो हो गई हमारी बाहर की समाज की व्यवस्था की बात, किंतु हम तो समाज की व्यवस्था पर प्रवचन देते नहीं, हम तो साधक के अंदर की व्यवस्था पर प्रवचन देते हैं। ये तो आ गया तो आपको सुना दिया, लेकिन अब हम इसका जो अर्थ बताने जा रहे हैं वो अर्थ है जो अंदर का अर्थ है। तो अब आंतरिक विद्या की अपन बात करते हैं। इस यज्ञ के द्वारा आपके अंदर जो परमात्मा की ओर जाने में सहायक स्थितियां हैं वे तो हैं देव, जैसे शुरू में बताया था कि भीम अर्जुन नकुल सहदेव युधिष्ठिर ये सब क्या है, हमारी वह आंतरिक अवस्था है जो हमें परमात्मा की ओर जाने में मदद करती है। तो उन देव इतने सारे जो देव हैं उनके सबके देवों देवादि देव कौन है, श्री कृष्ण भगवान, वो महादेव है, सबसे बड़े देव हैं वो। तो वो आपके सदगुरु यहां पर जो भी सदगुरु जीवित सदगुरु है वो कृष्ण के रूप में है और वो आपका मार्गदर्शन करके ज्ञान यज्ञ आपसे कराते हैं। यानी अपने जीवन की आहुति सदगुरु की साधना मार्ग और सेवा और सदगुरु की सहायता में लगा दो और ध्यान करो और अपने आसपास के लोग हैं उनको ध्यान कराओ। तो जैसे आप ध्यान करोगे जैसा सदगुरु बताएंगे वैसा यदि आप आहार करोगे, सदगुरु बताएंगे वैसा ही आप विहार यानी व्यवहार करोगे, और सदगुरु बताते हैं ऐसा ही आप जो है साधना की चर्या करोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका जो ज्ञान यज्ञ है वो गुरु महाराज की कृपा से जब गुरु महाराज की सेवा करने लगोगे तो ये ब्रह्म ज्ञान की जो गोपनीय विद्या है इस विद्या
का तुम्हारे लिए सुलभ रूप से उपलब्धि हो जाएगी और तुम श्रेय मार्ग पर यानी परमात्मा के मार्ग पर चलने लग जाओगे। तुम्हारी ज्ञान यात्रा तेजी से होगी और जो प्रिय मार्ग यानी इंद्रियों का मार्ग है, संसार का मार्ग है, अज्ञान का मार्ग है, उससे तुम बच जाओगे, है ना। तो देखो ज्ञानी साधनों से विहीन होते हैं और अज्ञानियों के पास साधन रहता है, लेकिन ज्ञानी जो है उनकी आंखों में अज्ञान का अंधापन नहीं होता। एक मुझे कहानी छोटी सी याद आती है और आप सब लोगों ने उस कहानी को पढ़ा भी है। कहानी ऐसी है कि एक अंधा था और एक लंगड़ा था और दोनों में दोस्ती थी और दोनों ही मेला देखने जाना चाहते थे। तो दोनों ने सोचा, अंधा जो है वो देख नहीं सकता था और लंगड़ा चल नहीं सकता था, तो लंगड़े ने क्या किया, अंधे ने क्या किया कि लंगड़े को अपने कंधे पर उठा लिया और दोनों जन जो है वो मेला देखने को चल पड़े। रास्ते में बढ़िया बढ़िया आम लगे हुए थे रसीले, तो दोनों ने वो आम भी रास्ते में से तोड़ कर खाए, क्योंकि दोनों की हाइट अच्छी हो गई और आम तोड़ के जो है लंगड़े ने अंधे को दिया, अंधे ने आम चूसा, दोनों आम चूसते चूसते मेला गए और मेले में खूब आनंद से उन्होंने मेले में झूला उला ये वो सब किया। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर अज्ञानी को ले लो आप अंधे के रूप में। अब अज्ञानी तो है अंधा, लेकिन उसके हाथ पैर बड़े मजबूत हैं, क्योंकि वो संसार में बहुत ज्यादा उसने कूदा फांद की है, तो उसके पास सब प्रकार के साधन भी हैं। उसके पास मकान भी है, धन भी है, उसके पास जो है संसार में जीने की तरीके भी हैं, संसार के लोगों से परिचय भी है, कौन अच्छा है कौन बुरा है ये भी जो सब संसार के लोगों को जब जानता है वो। लेकिन जो ज्ञानी है उसको परमात्मा को देखा है, परमात्मा को जानता है, परमात्मा को कैसे जाना जाए ये जानता है। तो अंधा और लंगड़ा दोनों की, अगर ज्ञानी और अज्ञानी दोनों अगर परस्पर देवो भव हो जाएं, एक दूसरे की मदद करने लग जाएं, तो क्या होगा कि जो शांति के आम हैं, जो मस्ती और सुख के आम हैं, जहां तनाव नहीं है वो खाने मिल जाएंगे, डायबिटीज नहीं होगी, हार्ट अटैक नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, जीवन में मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, क्योंकि ज्ञानी के मार्गदर्शन में तुम मेला देखने जा रहे हो। और चूंकि तुम परमात्मा के विषय में बिल्कुल अंधे हो, एकदम ब्लाइंड हो, तो तुम्हें उस ज्ञानी को जिसके पास साधन नहीं है, अब हम ही को ले लो, यहां इंदौर में छोटा सा आश्रम है, कुछ खास साधन नहीं है और किसी से कुछ मांग नहीं सकते, बोल नहीं सकते। अभी ट्रस्ट आप लोगों ने बनाया है, उस ट्रस्ट के पास भी साधन नहीं, तो कैसे धीरे से जो है अगर लोग जुड़ेंगे तो अंधे लोगों जो है वो लंगड़े यानी ज्ञानी की मदद करेंगे और अपन परमात्मा रूपी मेला सबको दिखा पाएंगे, खुद भी देख पाएंगे और आम भी खिला पाएंगे। तो ये जो है समाज, इसकी दुर्गति इसलिए हो गई कि इन्होंने ज्ञानियों को सम्मानित नहीं किया, ज्ञानियों के मार्गदर्शन में नहीं चले, ज्ञानियों को सर्वोपरि नहीं माना। तो देखो इस समाज की कितनी दुर्दशा हुई है। यहाँ पर पंडित पुजारी मूल्य मौलवी ये जो है वो ज्ञानियों की जगह पर बैठ गए हैं और लोग उनकी बातें मानते हैं, चाहे वो कुछ देले भर भी नहीं जानते हो, लेकिन उनसे पूछते हैं कि महाराज जी अच्छा मुहूर्त बताओ कौन सा अच्छा है बताओ। मैं कोटा में एक बार, मेरे घटना है अज्ञान काल की, मेरा एक मित्र था वो चला गया एक बार एक अज्ञानी के पास और उससे पूछा कि क्यों मैं जो है MBBS डॉक्टर की परीक्षा में पास हो पाऊंगा कि नहीं। तो उसने उसकी जन्म कुंडली देखी, हाथ देखा और बोला तुम डॉक्टर तो नहीं बन पाओगे, लेकिन हाँ तुम IAS में निकल सकते हो। तो उसका फल ये हुआ
कि वो बच्चा जो मेडिकल की तैयारी कर रहा था उसमें वो निराश हो गया और वो आगे आईएएस के सपने देखने लगा। अब मुझे ये बात पता लगी, अज्ञान काल की बात है, तो मैंने उस बच्चे को कहा चल तो कौन बता रहा, उसके घर गए, देखे तो उसकी माँ का हाथ टूटा हुआ था बताने वाले का। तो मैंने पूछा क्यों भाई तुम्हारी जो माँ है इसका हाथ टूट कब टूटेगा ये तुमको पता था क्या? तो बोले नहीं। तो मैंने कहा अच्छा तुमको ये पता है कि तुम्हारी ये टांग जो है वो कभी टूटने वाली है? बोले नहीं। तो मैंने कहा फिर तुमको ये नहीं मालूम तुम्हारी माँ का हाथ कब टूटा टूटने वाला था, तुम्हारी टांग कब टूटने वाली है, और फिर तुमने इस बच्चे को कैसे कह दिया कि तुम मेडिकल में नहीं निकल पाओगे और 500 रुपए दक्षिणा भी ले ली तुमने इससे? तो बहुत समय पुरानी बात है। तो मैंने उसको कहा तो लज्जित हुआ। मैंने कहा देखो ये लोगों को मूर्ख बनाकर धन कमाने का काम तुम बंद कर दो। तुझे लोग जो मूर्ख बनाकर धन कमाते हैं उनकी वजह से ये समाज अंधा हो गया है और ज्ञानियों की कदर नहीं करती इन्होंने। अब देखिए कि एक और बात कहें कि तुम लोग जो हैं अंधों को अपना गुरु भी बना लेते हो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं लगता कि कौन अंधा है कौन आंख वाला है। अब वो कोई अंधा है उसकी दोनों आंखें बढ़िया देखने में अच्छी लगती हैं और काम भी अच्छा करता है। एक बार मैं यहां से कुछ दूर एक शहर है ये है बुरहानपुर, वहां मैं गया किसी कार्यवश, मतलब सत्संग के लिए गया हूं। तो वहां मैं एक व्यक्ति के घर पर जो है गया तो वो व्यक्ति बिल्कुल ब्लाइंड था, लेकिन वो सुबह उठकर बकायदा पानी की मोटर लगा लेता था। वो उसको मालूम था कि चार कदम पर जो है लाइट के स्विच है, वो ऐसे स्विच दबा के लाइट चालू कर देता था, पंखा चालू कर देता, कूलर चालू कर देता था, वो सारा काम फ्रिज में से बॉटल निकाल के ले आता था, वो भोजन बना लेता था। उसको दिखता ही, लोगों को लगता ही नहीं था कि वो ब्लाइंड है। वो पूरा का पूरा उसी घर में पिछले 10-20 साल से रह रहा था, एक एक इंच एक एक सेंटीमीटर उसको मालूम था किधर क्या है। तो लोग मेरे साथ जो मित्र थे वो देख कर भ्रमित हो गए, बोले ये भैया तो बहुत अच्छे हैं और ये देखो कितना बढ़िया काम करते हैं। तो मैंने कहा कि भैया वो दोनों नेत्र उनके नहीं है, तुमने ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से ये अंधे भी बड़ी कुशलता से तुमको फंसा लेते हैं, अब तुम इनके चक्कर में पड़े हो। और यही कारण है कि तुम अंधों के चक्कर में पड़े हो जिन्होंने परमात्मा को नहीं जाना, और उसी वजह से तुम्हारा पूरा का पूरा समाज जो है वो इस अंधेपन का शिकार हो गया है ना। तुम्हें क्या पसंद है, तुम कैसा गाना सुनना चाहते हो, तुम किस चीज से झूम सकते हो, तुम किस संगीत से रो सकते हो, तुम्हें कौन सी कथा में मजा आएगा, उनको सब मालूम है। बस वो तो वही सुनाएंगे जो तुमको अच्छा लगेगा, बस फिर तो तुमको जो अच्छा लगा तो तुमने अपनी जेब में हाथ डाला और तुमने बनाए चेक और दिए उनको, और उनके हो रहे मजे और समाज जा रहा है कहां नीचे रसातल में। इसलिए ज्ञानियों के पास बैठो और ज्ञानियों के साथ परस्पर भावयंतः, श्लोक का जो अगला शब्द है परस्पर भावयंतः, स्थिति बनाओ, तुम ज्ञानी को भाजाओ, ज्ञानी तुम्हें भाजाएं, तुम ज्ञानी की सहायता करो, ज्ञानी तुम्हारी सहायता करें, तुम ज्ञानी से प्रेम रखो, ज्ञानी तुमसे प्रेम रखें, तो तुम परम श्रेय अर्थात आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो जाओगे, तुम अपने स्वरूप को जान जाओगे। तब इस श्लोक का अगला जो शब्द है वो क्या है, वो है श्रेया परम अवाप्स्य अथः। तो वहां तुम जो उस श्रेय को, उस परम तत्व को, उस परमार्थ तत्व को जिसको कि आत्म साक्षात्कार कहा गया है, इसको तुम प्राप्त हो जाओगे। प्राप्त हो जाओगे ना, अवाप्स्य यथा प्राप्त हो जाओगे। और आत्म साक्षात्कार के साथ और पहले जब तुम इस मार्ग में जब चलोगे तो बहुत दुर्लभतम चीजें तुमको मिलेंगी, वो है शांति, जो किसी को करोड़ों रुपए खर्च करने पे भी नहीं मिल सकती। वो है प्रेम, जो किसी को किसी भी कीमत पर
नहीं मिल सकता, वो मिलेगी प्रज्ञा, वो ऐसी आंतरिक समझ, एक डिवाइन इंटेलेक्ट वो मिलेगी। और ऐसी समझ मिलने से आपका स्वास्थ्य, जो कि लाखों रुपए डॉक्टरों को और इंटरनेशनल लेवल के हॉस्पिटल्स में भी इलाज कराने से तुम उतने स्वस्थ नहीं रह पाओगे जितने स्वस्थ तुम इस आत्मज्ञान के मार्ग में ध्यान करने से रह पाओगे। और तुम्हारे समस्त दोष नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। सतगुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम।